وعليكم المصدقين الصلاة والمصدقين الصلاة والإنسان من المعي والقضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مرسلة إلى دار الثواب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي كرمه نصره وتعافى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران ملت اسلامیہ जुमला तालिबान और यूनिट कर दिया। आइए सबसे पहले हम और आप दरूद पाक में नूर खुशबू से अपनी जबान का मुअत्तर करें और आवाज़ बुलंद दरूद पाक। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। اللهم कह रहा है, कह रहा था दीवाना, ये कह रहा था दीवाना, दरूद पढ़ पढ़ ये कह रहा था दीवाना, दरूद पढ़ पढ़ कर मुझे है खुद में जाना, दरूद पढ़ पढ़ दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाम की खुशबू, दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़। आप तमाम अहले हदीस को उसे सरकारी सज्जदी आला हज़रत को मैं शुक्रगुजार हूँ। बाबाकार बनाई ग्राम का इन्होंने इस तकलीफ को आवाज दी और हजार मसरूफियत के बावजूद भी वादे की बुनियाद पर मैं हार गया। दुआ करने के अल्लाह ताला हमें कुछ अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक। उम्मीद है कि सरकारी जमाले मिलत के पैदान और बरकात की बुनियाद पर उर्दू तो समझते ही हैं आपको, इसलिए मेरी खाली तकरीर उर्दू में होगी। वक्त नहीं है कि मैं जाय करूं, जितने उलमा यहां बैठे हैं मैं सबसे कमतर नहीं कमतरी, ये अफजल नहीं अफजल दलील है। अल्लाह ताला इनका साया तादेर कौम मुस्लिम अहले सुन्नत व जमात के सलाम है, आमीन कहेंगे। मैं जामिया गौसिया हिजरिया के जुमला तलबा को मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने अज़ान की हिमायत से जश्न आला हज़रत का इंतजाम किया। मुझको अपने तालिबेली का जमाना याद आता है, जब मुबारकपुर में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग तो उसमें जा नहीं सके दोस्त पर, तो उस तारीख हमें हम लोग अशरफिया में बदमे रखा कर मुकाबला जाति वगैरह तहरीरी तकरीरी मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ। बली का जश्न मनाने से कौन रोके, मुझको ये यकीन आएगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बली का जश्न मनाने से कौन रोके, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा, और हजार बार
हमारे लिए शरीफ न्याय के दयारे पीर है, प्यारे से कौन रोके। बार बार हमारे लिए शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है, जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। मसाइल की तरतीब तदवीन करने के बाद
उस वक्त के अखबार जो यूपी में छपते थे उसमें खबर छपवाई कि आला हजरत के फतावे रजविया की जिल्दे सानी की तबाह चल रही है। जिन हजरात को फतावे रजविया की जिल्दे सानी चाहिए वो मुबारकपुर इस पते पर 12 रुपये का मनियाकर भेजकर फतावे रजविया को बुक करें। आपको हैरत होगी कि मुबारकपुर में पहला मनियाकर जो एडवांस बुकिंग कराया है वो दारुल उलूम देवबंद का है। कितनी अहमियत से आता है आप अंदर कितने बड़े आवाज आज भी दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता में जब कोई मसला नहीं हल होता है तो ताक पर फतावे रजविया की तमाम जिद्द रखी। दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती कहता है कि मसला सुलझ नहीं रहा है। जरा ऊपर से खान साहब को मिला फतावे रजविया का नाम लोगों ने खान साहब काम साहब को उतारो और उसको देख कर वो मसले का हल निकाल मजबूर है। तब तो आला हजरत के इंतजार पर जब अशरफ अली बदबूदार रो रहा था तो तलवा ने कहा हुजूर आपका कट्टर दुश्मन चला गया मर गया और आप रो रहे हैं। तो अशरफ अली खानवी ने कहा था कि रोना पड़ेगा इसलिए कि अहमद रजा वो आलिम और सच्चा आलिम रसूल था और इश्क़े रसूल की उस मंजिल पे था कि अगर मुझको वो काफिर नहीं निकला तो खुद काफिर हो जाता। अच्छा भाई फानी ने जीत लिया आप अंदाजा लगाओ क्योंकि हम पता लगे आला हजरत का मसला के आला हजरत शरीयत का नाम नहीं है मतलब के आला हजरत ट्रेड मार्क है मतलब के आला हजरत ट्रेड मार्क है ये शरीयत का नाम नहीं है ये ट्रेड मार्क है। आप देखते हो जो दवा फुटपाथ पे बिक्री होती है गली कूचे में नुक्कड़ से बाजार में ढोल बजा कर ताली बजा कर उसका कोई रेट मार्क नहीं होता। लेकिन जो दवाएं डिस्पेंसरी में मेडिकल स्टोर पर बिक्री होती है उसका ट्रेड मार्क होता है और हर दवा पर लिखा जाता है कि ट्रेड मार्क देख कर दवा खरीदे नकारों से होशियार रहे। सवाल यह है कि नमाज हम भी पढ़ रहे वो भी कर रहे हैं तिलावत हम भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं हम भी अल्लाह ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं वो भी कलमे से गवाह पढ़ रहे हैं वो भी हदीस बयान कर रहे हैं हम भी हदीस बयान कर रहे हैं। इसलिए उलमा ने मसलके आला हजरत को ट्रेड मार्क का बनाया ताकि लोग समझ सके कि सब नमाज वाला एक नहीं है जहां इमाम हर रजा होगा वही नमाज वाले सही होगा। अल्लाह अल्लाह रसूल पहले मैं भी उतार देता था मगर एक दो मिनट मैं इसलिए रखता हूं मैंने एक तहरीर पढ़ लिया आप आए नेमत बुजुर्ग हूं किया तुझे तो फरमाते हैं कि लोग खुश होकर अगर आपको हाथ तुम पेश करते हैं तो पैसे से खरीद के लाने कम से कम दो मिनट उसको पहले रहिए। इसलिए मैं एक दो मिनट मार के लाता हूं मतलब इतना भारी है कि आप भी इसको संभाले करके तकलीफ संभाले। एकदम 100% सही कर
एक पुड़िया खाली के का जिंदगी को टिका नहीं करते, और आप लाइसेंस दे रहे हो आप ने देखो तो समझ लिया। मैं डर गया, मैंने कहा क्या मतलब? बोला ये इतनी खतरनाक दवा है कि एक पुड़िया खाते ही गठिया की बीमारी हो जाती है, और जब गठिया की बीमारी होगी तो जिंदगी भर लाठी लेने की जरूरत है, जब हाथ में लाठी रहेगी तो टिकाएगा नहीं तो काटेगा। एक बीमारी से बचाने के लिए कितनी खतरनाक बीमारी लगा दी। इसी तरह बदकी दे आला हजरत से दूर करने के लिए न जाने समाज में कितनी बीमारी फैला। आला हजरत है आला हजरत वाली हजरत अल्लाह नबी अली खान रहमतुल्लाह सदर मुफ्ती हैं मस्जिद की दाखिल रामनाथ मुरादाबाद के 90 मुहद्दिसीन का काफिला बरेली शरीफ है। सिर्फ मुफ्ती नहीं मुहद्दिसीन का काफिला बरेली शरीफ है। हजरत अल्लामा नबी अली खान रहमतुल्लाह की बारगाह में इस्तीफा पेश किया, हुजूर इसका जवाब नहीं कर दिया। आला हजरत के अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उनका इकराम माजरत, एक हफ्ता हुआ मैंने मसनदी मुद्दा छोड़ दिया। अब मरकजी दारुल हफ्ता का सदर मुफ्ती कोई दूसरा हो गया है, और दारुल हफ्ता ये नहीं है वो कमरा है, वहां जाइए सदर मुफ्ती मैदा होता है। ये 90 मुहद्दिसीन का काफिला रामपुर मुरादाबाद शहर से आया अपना काफिला, जब दारुल हफ्ता का दरवाजा खोल कर देखा देखा 12-13 वर्ष के दर का किताब इधर से लग गया। इन लोगों ने समझा कि सफाई करने वाला कोई मजदूर है, चले गए चाय पीने। एक घंटे के बाद आए फिर दारू ढंगा का दरवाजा खोला अपना, देखा वही लड़का फिर किताब को उलट उलट कर रहा। 90 मुहद्दिसीन ने किराम की जवाब दी, बहुत बड़े लोग थे, गुस्से में अल्लाह लकी अली खान लेना की बारगाह में पहुंचे। हजरत किस गैर जिम्मेदार को सदर मुफ्ती बनाया है, 2.5-3 घंटे हो गए और अभी तक वो काम निपटा में नजर नहीं आया। ऐसा गैर जिम्मेदार तो मैं मुफ्ती नहीं बना, मैंने तो जिम्मेदार को मुफ्ती बनाया। ऐसा कैसे होगा कि 2.5-3 घंटे से जो चिंता की सनत पर न बैठे मतलब पर न बैठा होगा। चलिए एक 10-12 बरस का लड़का है जो किताबों को उलट पलट कर रहा है, हजरत अल्लामा नबी अली खान अलैहि रहमतुल्लाह ने कब ये लड़का पर रखा है, वो 12 बरस का नौजवान बहुत था और ये इमाम अहमद रहा था। हजरत अल्लामा नबी अली खान कहते हैं अरे वो कोई इसे तुम लोग क्या समझ रहा है, यही तो इमाम अहमद रहा है, यही फतवा पेश किया गया। आला हजरत ने सवाल पढ़कर कहा कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, और 90 सवाल पर लिख कर उसने जवाब दिया। सिर्फ इल्म देखना वलायत भी देखना, 85 मिली संडे थे, 80 मिली संडे थे, मगर 90 सवाल पर जवाब नहीं था क्यों? वलायत की नजर देख रही थी कि आने वाले 90 अपराध है, कम से कम एक एक सवाल सबके रहने वाले। क्या आला हजरत की शान, ये लगा के सुभान अल्लाह कहिए। अब मैं समझाता हूँ आला हजरत, आला हजरत आज बरेली को लोग कट्टरपंथी कहते हैं, सख्त होते हैं, क्यों नहीं सख्त होते? जिसके पास कोई दूर हीरा रहेगा वो चोरों की तरह मुंह छुपाएगा क्या? उसके तो पेशानी से जान पानी जानी होगी, सब कुछ तो हमारे पास है। आज जो लोग भी अदालत के मुखालिफ हैं क्या वो एक वक्त की नमाज भी पढ़ के बता सकते हैं? जो आला हजरत के मुखालिफ है क्या वो रुपये से बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, न एक वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि तुम्हारे यहां वसीला है क्या? नहीं है वसीला तो आला हजरत के अल्लाह। मेरे नबी फरमाते सल्लु कमा रायतमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझको पढ़ते हुए देख रहे हो। हमने तो देखा नहीं कहीं, हम लोग तो वसीला वाले हैं, ये देख लेंगे किसने देखा किसने देखा किसने देखा किसने देखा, हम आप पढ़ सकते हैं। अब तो
तुम तो वसीले वाले नहीं हो, तुम कैसे हो? आला शख्सियत का नाम है, शख्सियत का नाम याद की सारी दुनिया में टोपी देख जाकर हमें सुन्नी नहीं कहा जाता, हमें बरेली कहा जाता, हमें बरेली कहा जामिया औसिया रजिया के तलवा को आगाम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि कौम मुस्लिम की जरूरत की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। आला मैं सुना, दो मिनट मुझको बर्दाश्त कीजिएगा, फिर मैं तकरीर शुरू करता हूं। दो मिनट आप मुझको बर्दाश्त और बात याद नहीं रहती, इसलिए तलबा को अलमा के बीच में तकरीर कर रहा हूं तो मैं जो भी काम कर लू जब भी कर बहुत शायद कह रहा हूं, बहुत शायद कह रहा होगा, मगर आला हजरत की रहा हूं मना की गए अगले बैठ पाओ का पूरी दुनिया के शोरा ने इतनी किताबें लिखी होंगी कि तराजू पर वो आए हैं, मगर आला हजरत ने जो एक शेर लिख दिया वो तमाम तराजू पर पढ़ने वाली किताबें हल्की हो जाएंगी। आला हजरत का वो शेर भाई और आला हजरत का वो शेर जो लोग आज आला हजरत के खानदानी आला हजरत को नहीं मानते वो लोग भी उसी शेर को पढ़कर कहते हैं कि मैं कौन, वो लोग भी उसी शेर को पढ़कर कहते हैं कि मैं कौन। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा घूमता, तू है मेरे रूह तेरा सब घराना लूटता। हजरत किसी ने महबूब की तारीफ की तो उसके जुल्फ की तारीफ की, उसके लबों रुखसार के अपने अंदाज में तारीफ की, बस इसको सिर्फ सुनिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंच जाऊं। किसी ने रुखसार और हद्दी को कहोगी तो शायद मैं कदम उठाकर निकल लिया, रुखसार को कहिए लबे नाजुक का कवर सुन, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए, किसी ने कमर की बात की तो इतनी पतली कमर कर दिया कि तलाश करने पर भी न मिले, आंखों को चाहे देखी भी हो मगर इस कदर जिसानी बना दिया कि लोग उस आंखों की पुतलियों को तलाश करते रह गए, मगर इमाम मोहम्मद रजा जब इशारे रसूल का मुजस्सम बनकर अपने अनंत को उठाता है और इमाम अहमद रजा जब लिखना शुरू करता है और नाते मुस्तफा लिखता है या बारगाह मुस्तफा में मेरा रजा जब तेरा के अकीदा पेश करता है तो महबूब के तसव्वुर जब आता है तो किसी औरत का तसव्वुर नहीं आ रहा है, नाज़रीन का तसव्वुर नहीं आ रहा है, मैं जमीन का तसव्वुर नहीं आ रहा है, नसीब और जमीन और दीन के सेवा करने वालों का तसव्वुर नहीं आ रहा है, तसव्वुर आ रहा है इमाम अहमद रजा के ज़हन और दिमाग में तो मुस्तफा जाने रहमत का तसव्वुर आ रहा है। मैं उलमा की दुआ चाहूंगा, बड़ी मेहनत से मैंने इसको जमा किया है, इमाम अहमद रजा की निगाहों में जब मेरे मुस्तफा का सलामा आया है तो आला हजरत का कलम चला और आला हजरत ने सब से शुरू किया और लिखना शुरू किया, इसके आगे सरे सलवा कर रहे उस सरे तांगे दीवार पे आगे वाला सर के बाद नाम का नंबर आता है, इमाम अहमद रजा का कलम चला मैं अपन पत्र में मदे मतरे के फज हक नाम की इस्तेमाल पे आगे वाला मान के बाद पेशानी का नंबर आता है जो आला हजरत का कलम उठा जिसके माथे शफात का सेहरा रहा उन जमीने शहादत पे लाखों सलाम, उसके बाद भाव का मकाम आता है
की पीर कभी कभी मिल जाए, कभी 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 मिल जाए। और आप लोग खुशकिस्मत है कि आपको बरेली वाले मिले, और बरेली वाला भी मिला है, तो इसकी बुनियाद रखने का नंबर आया तो बरेली हाथ मिला। बोलिए बुनियाद रखने का नंबर आया आसमानों में भी है, जमीनों में भी है, मैंने देख लिया। उसके
के बाद कहते हैं अमर होता है। मैंने सुना है कि एक बेटा निर्णय लिया तो कहाँ हो सकता है, कौन कहाँ है निर्णय, कहाँ है निर्णय आला अदरक धोखा चाह को लेकर हिंदू मुक्ति आदम के पास जाते हैं और नन्हे मियाँ कहा ज्ञानी मुक्ति आदम का हाथ पकड़ जाते हैं, धोखा चाह उठाकर कहते हैं कहाँ कुछ हुआ है बाबू को, कहाँ कुछ हुआ है लालू को, तो हिंदू मुक्ति आदम ही दौड़ने लगे हैं। बताओ कितना बड़ा खानदान है मेरे आदम। मुसलसल 10 दिनों तक प्रयाग है, 10 दिनों तक प्रयाग फरमाया कलकत्ता में, और आज जो दो मस्जिदें वहाबियों के कब्जे में है, नाखुदा मस्जिद और टीपू सुल्तान मस्जिद, दोनों के मिंबर से आला हजरत ने खिताब मांगा। उस मौलवी का नाम मौलाना जाल मोहम्मद मदरासी था, जिन्होंने नदवा के खिलाफ अकीदे की जंग छेड़ दिया था और मुकाबला करने के लिए बरेली से आला हजरत को बुलाया। उस वक्त के तमाम अखबार के तराशों को अल फकीह नाम के रिसाले में जमा किया गया है और वो रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। आला हजरत की शख्सियत करामतों की बात करोगे, आला हजरत मुरीदों के शहर बदर की नमाज पढ़ के चले करते हैं और आला हजरत पान बहुत खाते थे, आला हजरत पान बहुत मगर तंबाकू नहीं खाते, सादा पान खाते। एक पान दुकान खुली देखा, आला हजरत बोल गए बोला बेटा पान दे दो, इत्तेफाक से मिली को मिली। जब ये साहब अपनी दुकान पे देखा तो मुझे इसका ठिकाना रहेगा भाई, चल गया पान लगाया होगा कि मोहब्बत का ताजमहल बनाया होगा, प्यार से उसने पान दिया। आला हजरत ने पान पकड़ा तो मुरीद ने दुकानदार से पान छोड़ दिया, आला हजरत ने हाथ पकड़ दिया। आला हजरत ने कहा मेरी लड़ाई क्यों पकड़े का हो जो मैं आप ही बन गई, दुकान ठीक ठाक चलती नहीं है अगर ये मार ये दुकान जब किस्मत से आप मिल गए हैं तो 41 दिन की अल्लाह करम कर अल्लाह खड़े खड़े मोड़ के पास जहाँ पैसा रखे हो, शाम होते होते तो ऐसा लगा पूरा चार उसकी दुकान पर रहता वो दीजिए वो दीजिए सुभान अल्लाह एकदम ठीक ठाक। और उस वक्त मौलाना भी बहुत साफ सुथरे होते थे और पीर भी सही होते, उस वक्त पीर भी हजरत सही होते। पहले के पीर जब खबर मिलती थी कि पीर साहब आ रहे हैं तो सारा इलाका चौराहों पर जाकर इस्तकबाल को तैयार रखता, अब अगर खबर करते हैं कि हम आ गए हैं तो पूरा गांव गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता, फर्क हो गया हमारी दुनिया फर्क हो गया। मतलब पीर कैसे होते हैं मेरे गांव के बुजुर्ग है ये अली साहब रहमतुल्लाह अलैह नाम है, मुरीद को किराया देना पड़ेगा इस वजह से उन्होंने घोड़ा खरीद लिया और उसी घोड़े पर बैठ कर मुरीदों के यहाँ का सफर कर, एक मुरीद के घर जाए नाश्ता पानी के बाद का हमको खिला रहे घोड़ा को कौन दिया, तो जिसके घर गए थे उसने अपना लड़के को कोने वाली की सलाम कर। थोड़ी देर के बाद एक मरीज आया हुजूर आपका घोड़ा बीमार हो गया, बोला क्यों, बोला हुआ हुआ से पानी टपक रहा है तू रो रहा है। हजरत सरकार के अली शाह रहमतुल्लाह अलैह चुनरी बांधकर गए घोड़े के पास तो दोनों पैर उठाकर दिन का मंदिर इन्होंने हाथ फेरा तो कांपने लगा, उसके बाद गजल बंद करके फरमाते हैं ये जो खास धूप कुछ देर 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 मकई वगैरह समझते हैं आपको, मकई गेहूं का पेड़ वगैरह था, बोला ये पेड़ जो है कौन लाके रखा, तो जिसने अपने बेटे को भेजा पूछने का सरकार तो मेरा बेटा लाया,
बाबू किसके खेत से लाए? बोला हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में फला का था, उसी में से उठाओ कर ले आए। तो हजरत के तेरी फरमाते हैं, सुनो मेरा काम तेरी है, मैं खुद हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत का बोली खेती शाम तक थी, सामने रोड के उस पार एक और मुसलमान की दुकान थी, उसकी दुकान पर एक ही गाना था। दूसरे दिन उसके तीन इत्तेफाक से बने थे और यही इम्तिहान की कठिन घड़ी होती है। उसने पीर साहब को देखते का उधर उसका तीन ताबीज लिखा है तो ढेर देखिए आप भी मेरे पीर लिहाजा ताबीज लिखी लिख के दिया। एक हफ्ते के बाद आए तो दुकान बंद करके वो दुकानदार मान बोला क्या हुआ? बोला आपका ताबीज तो लगा दिया। मेरा ये हाल है कि आपका वक्त एक दिन का कमर हो गया। बोला एक बात बताओ, उस दुकानदार का पीर कौन? अनपढ़ दुकानदार ने कहा तो उसका पीर आला हुआ सच्चा पीर। आज ही मेरे रसूल रोने लगे क्या इसीलिए ना मेरा लिखा ताबीज फायदा नहीं दिया? ताबीज तो एक लाख लिख सकता हूँ मगर अहमद रजा जैसा हाथ कहाँ से लाता है? सलाम के बाद गौर यार वो आला अहमद जैसा हाथ कहाँ से ला सकता? भगवान पर मुरीद था, उसने कहा जब हाथ नहीं ला सकते तो आला अहमद के हाथ में क्या था? मैं जबान संभाल कर बात कर दुनिया में बस एक ही तो अहमद रजा रह गया है, एक ही तो आला अहमद रह गया है। जब जमाने ने कहा मुस्तफा कौन है? वो अकेला अहमद रजा Hey,
बातें मत फिर इनकी तो बात ही मत ये मरे की सकारात्मक की बात आया मौत से चंद साल पहले हरारे ही अभी तक पर मोहम्मद से कभी हुजूर का भी शरीया जब ये बोलते होंगे हरारे एयरपोर्ट पर मोजम्बिक जाने के लिए हम कर तरफ ने कहा मौलाना हक्कर रजा बोर्डिंग का टाइम फ्रेम हो गया फ्लाइट भाई रनवे पे जा चुकी है अब आप बोर्डिंग नहीं कर सकते जाम में फंस गए थोड़ी सी कोशिश करो अगर मुमकिन हो तो बोर्डिंग हो जाए तो वहां के कानून के खिलाफ है हुजूर मोहब्बी से कभी परेशान रहे पसीने पसीने ऊपर मारते मोहब्बी से कभी कि लाखों रुपये का मसला था मेरे पसीने छूट गए कि मैंने काबिल शरिया को देखा था एक रुमाल बिछा कर किबला तू होकर उन्होंने नमाज के लिए बात की कब बोलिए 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 नमाज के लिए बात की और जैसे ही काबिल शरिया ने सलाम फेरा तो माइक से बहुत बार मैं आ गया जेएमबी के एक बार जेएमबीपुर से कुछ दूर में बाइक आ गया उसके बाद भी मैं बाइक आ गया पहली बार जब बाइक आ रहा रास्ता बहुत खराब था ओ रास्ते में गाड़ी हिल रही है पुलिस कर रही है इतना उलट पलट के मत पूछिए जब मैं उतना मंजिल पे तो कमर पकड़ के बैठा क्या हो रहा है इतना रास्ता खराब अब जब दोबारा आया तो संसंग संसंग गाड़ी आ गई एकदम चिकनी सड़क था एक जगह बोर्ड लगा हुआ है एंट्री डोरा का इस सड़क का निर्माण किया गया मैंने गाड़ी को मैंने कहा एंट्री कौन है यहाँ का लबलाओ से मैं भारत का इतिहास जानता हूँ ये वो सड़क है जो आजादी से पहले भी भारत की है और आजादी के बाद सड़क हिंदुस्तान की कितने प्राइम मिनिस्टर आए गए बदले गए मगर को ये भारत की सड़क है कि भारत के नक्शे में हिंदुस्तान की संपत्ति है मैं लूटने नहीं तैयारी से एमपी ने क्यों अपने नाम का रोक लगाया हजरत जब तक एमपी साहब की गाड़ी आ क्यों नाराज है कि तुम्हारी बकौती है कि तुमने अपने नाम का रोक लगाया तो फिर जब से एमपी साहब ने हाथ जोड़ कर कहा मौलाना माफ कीजिएगा मैंने वोट नहीं लगाया है पब्लिक ने लगा दिया है हमने कहा क्यों लगाया था जब तक मैं एमपी नहीं हुआ था सड़क में बहुत बड़े बड़े बैठे थे मिर्चा का पता था ना पत्थर का पता था ना बालू का पता था लाल कपड़ा का पता था तमाम मेरे बेलगाड़े थे इंसान कश्तियों की तरह हिचको लेकर के चल रहा था तो मैंने वादा किया था कि जिस तरह ये सड़क टूटी हुई है अगर मुझको जिताओगे तो अपने बजट से सबसे पहले सड़क कंप्लीट करूंगा तो जब मैंने सड़क बनवा दिया तो यहाँ की जनता ने अपना एक दशक को मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया हमने कहीं की सब माफ करेंगे आपने जन्म जन्म का मसला हल कर दिया ये मसला के आला हजरत ये कोई नया नहीं है वही से आपके मुस्तकीम है जो हमारे हेरा से निकल कर सामने काबा में जा रहा है सामने काबा से निकल कर नतीजा के घर में जा रहा है जो खदीजा की गोद में परवरिश पा रहा है वहां से निकल कर अबू बकर के घर जा रहा है अली के घर जा रहा है उस्मान के घर जा रहा है उमर के घर जा रहा है
जिससे आके मुस्तकीम को बचाया जा रहा है वो करामतों की रेखा ओढ़कर वही पंडाल में आ रहा है। वहां से फिर आके मुस्तकीम चला और जब अजमेर में पहुंचा आया तो खाकर की करामतों की पहचान बनकर वही से आके मुस्तकीम रहा। मगर 19वीं सदी में जब इमाम मोहम्मद रहा भारत की सरजमीं माला जसव की कस्बा फरीदी में पैदा हुए ये सिरात मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। सिरात मुस्तकीम है इसलिए मुस्तफा का मारवा भट गया। सिरात मुस्तकीम है वली की अहमदों का टाइम सर गया। सिरात मुस्तकीम है मगर तवसुल 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 फिर रसूल जो है कि खत्म हो गया है। अब मेरे इमाम मोहम्मद रज़ा ने अपने पकड़ हुए हिजरी के बाद सरकार से वो मातों को निकाला है और सिरात मुस्तकीम को उसको सजाया। जहाँ की लाख की जरूरत थी इलाज का नेचरिया लगाया फाटे का नेचरिया लगाया जरूरत का नेचरिया लगाया सलाम का नेचरिया लगाया नाम का नेचरिया लगाया इसके मुस्तफा का नेचरिया लगाया तो सारी दुनिया के मुसलमानों ने कहा हे इमाम अहमद रज़ा है तो सिरात मुस्तकीम अगर इसे अहमद रखे अहमद रज़ा निकलना बहुत मुश्किल है इसलिए कि रजा पुष्प रजा पुष्प पुष्प कैसे कहा बस पांच मिनट और मैं आपके साथ मैंने सरकार के पाँव की दबाया मेरे घर हजरत का क्या होता मैंने पाँव की दबाया उनके जूठा भी मैंने खाया। कभी हजरत अकेले नहीं चलते थे दो चार आदमी साथ में मगर आज अचानक हजूर रुक गया तो नहीं फजर की नमाज पढ़कर वहां निकले लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पे खड़े अकेले आसमान का सब एक नंबर प्लेटफॉर्म थोड़ी देर में इतफाक कहिए कि दो नंबर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आ गया जिसकी तमाम बोगियों से तब्दीली जमा कर लेगा हजरत के कैसे इतफाक था एक नंबर पे एक नंबर वाला दो नंबर पे दो नंबर वाला उसमें तीन बहुत काबिल मुस्तंदा किसी का मुफ्ती था। तीनों ने जब देखा बरेली के मुफ्ती आदम को अकेला तो मचलने लगे पर अकेला है तो फंसा गए औरों ने कहा अकेला है तो क्या हुआ बरेली वाला फंसाने गए कहीं अटका दिया तब बोला हम भी तो कार्मिकता की मसलत पर बैठे हैं। बोला तू मसलत पे बैठता है मगर बरेली वाला तू मसलत को कायम करे। बोला नहीं हम मुकाबला करेंगे पूरी तबलीगी जमात से हजरत तीन मुक्ति निकले। इतने बड़े परहेजगार हैं अगर तकरीर सुनते हैं समझते हैं तो आप मेरे करीब आएंगे। इतने बड़े परहेजगार मालिक साहब एक नंबर मुक्ति शादी के बाद जब बीवी का मुंह देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया। दूसरा यतीमों का माल बिना इजाजत खा जाता था और तीसरा शादी के बाद भी गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों बदकार आ गए बरेली के पर हजार के आने के बाद हजरत तीनों तबलीगी ने सर झुका कर उठा कर ऐसे झुक के ऐसे उठा के कहा तुम्हें बरेली के मुस्लिम लोग वाह है बरेली तू जहां रहेगा बातिल का सर झुका के बातिल का सर झुका के मुफ्ती आदम मुस्कुराए गौरमा गवाह है कभी मुफ्ती आदम ने अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखा फकीर मुस्तफा यही लिखते रहते मगर जब उसने कहा कि बरेली के मुफ्ती हो मुफ्ती आजम मुस्कुराए बोला जबान सवाल के बाद कर मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम हो बोलो यार बोलो मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोलो पढ़े लिखे हो जरूरत
एक साथ सवाल होता है दरबुदा से बात बोला सवाल का जवाब दोगे बोला मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसलिए है कि हर सवाल का जवाब हम जगह देते हैं जिंदगी का मुजाहरा कीजिए मान लो दीजिए दलील दो का नहीं देंगे क्या यार दोस्तिया रसिया के होने आप बोलवा अपना आप पूरे ध्यान से सुने बरेली और बरेली वाला कौन होता है दलील दो का नहीं देंगे एक अलग रंग का रहा है मेरे मुखिया अचानक से हासिल हुआ पसीने में टिक गए फरमाया दलील दूंगा मगर एक शर्त बोला क्या बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो बोला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुफ्ती हैं बोला तुम तीनों से अलग अलग एक एक सवाल अगर मेरे एक एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दलीलों से दे दूंगा और कसम खुदा की मैं किताब नहीं दे दूंगा बगैर किताब दे के दलील का बन जाओ बोला सवाल क्या है बोलो तो एक नंबर मुफ्ती की तरफ अब यही पर आपका इम्तिहान है एक नंबर मुफ्ती की तरह को नहीं उठाएगा तू बता क्या इस्लाम में ये जायज है कि शादी के बाद मुफ्ती जी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए और फिर निकाल कर रह गया दूसरे की तरह को नहीं उठाया अब तू बता क्या ये इस्लाम में जायज है कि गरीबों का माल खिलाए जावत खाए जाए लोगों को मरता जमीन में छुपता चला गया और तीसरे की तरफ का तू बता क्या इस्लाम में जायज है इस्तेमाल करना तुम्हारा जायज़ है
जिएंगे। ये नोट अगर इस पे किसी का फोटो छपा हो, किसी का स्टंप लगा हो, मगर मेरे आला हजरत के हैं, आला हजरत मदीने शरीफ में, सुभान अल्लाह, हमारा मरकज मंदिर पे पहुंच गया और आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। रोज़े रसूल के मवाजे के करीब बैठे चार मसले थे उस वक्त इमामत के, चार मसाजिद के आईमा परेशान हाल आपस में गुफ्तगू कर, चार पांच महीने हो गए मुल्क हिंदुस्तान से सवाल आए हुए, दुनिया के सारे दारुल जनता में सवाल आए और आज तक दुनिया के किसी मुफ्ती ने इसका जवाब नहीं लिखा। क्या जवाब लिखा गया? सवाल यह था हुकूमत हिंद का, हमारे यहां चांदी के सिक्के का चलन, कसरत महंगाई की दुनिया पर हम चांदी का सिक्का हटाकर कागज की नोट बनाना चाह रहे रुपया, तो कागज के टुकड़े से हीरे चांदी सोना जवाहरात का की तजारत जायज है कि नहीं? ये सवाल हरम के चारों मस्जिदों की नजर अचानक पड़ गई रसूल पाक के रोजे के तरीके इसकी बरसात हो रही। किसी ने कहा यही हिंदुस्तान का आना पड़ता, चारों मुस्लिमों ने कहा आप भी आना पड़ता होता, हाँ जमाना मुझे को आना पड़ता है, तब तेरे मुल्क से यह सवाल आया। कई महीने हो गए दुनिया का कोई नौकरी इसका हल तलाश नहीं किया, आला हजरत ने रोज़े रसूल के करीब सवाल का कागज पढ़ा, कुत्ते ने उठी था और पढ़ने के बाद अब यहाँ पर अगर आप खामोश रहोगे तो बहुत बुरा लगेगा, यहाँ पर खामोश रहो। आला हजरत का जवाब दो, किस सवाल के बाद जवाब? कई महीनों से जवाब नहीं बन रहा। आला हजरत ने सवाल पढ़ने के बाद कहा भाइयों जवाब यही लिख दूं या बरेली जाकर दे। यही लिख दो या बरेली का, यही लिख दो का कलम का रसला। अब अहले मोहब्बत की मोहब्बत जानी पड़ी, आला हजरत बैठ गए कहां एकदम मवाजे से बैठ गए, लिखना शुरू किया। अब देखते हैं आपकी स्क्रीन बोलते हैं, लिखना शुरू किया, पांच सफा, दस सफा, पंद्रह सफा, बीस सफा, पच्चीस सफा, सब लोग शामिल होइए, तीस सफा, पैंतीस सफा, चालीस सफा, पैंतालीस सफा, पचास सफा, पचपन सफा, साठ सफा, तिरसठ सफा, तिरसठ सफा लेकर दस्तक दिया मॉडल अरंगे नुकरियों के पास का थापने लगे, पैर चूमने लगे का हमत रजा तेरे इल्म को सलाम, तेरे इल्म को सलाम, तेरी सलाहियत को सलाम, तेरी काबिलियत को सलाम। तुमने बैठे बैठे बेदर के साथ देखे सारे मसले का हल निकाल दिया और हम चार पांच महीने से तलाश न कर सके, हमत रजा तेरा गरम चल रहा था क्या, समंदर में कश्ती चल रही थी, तेरा गरम चल रहा था किया तो
चिंता से भरा हुआ। हाँ समझे, आज भी किताब मार्केट में है, आज भी किताब मार्केट में है। अल्लाह रखे ईमानदार लोग मानते हो, लोग देने वाले को नहीं मानते हो, लोग देने वाले को नहीं मानते हो। चाय सारा दिया है महमूद मदरसा ने, तो जब चाय सारा देने के बाद नोट का इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर सलाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे, फिर फातिहा का इस्तेमाल नहीं कर क्यों नहीं करोगे। इंसान है हमारा हजरत पाक पर, तो उन्होंने फातिहे को हवा दिया। मुझसे बड़ा मोबाइल वो कुछ लिख रहा, लिखने के बाद कोना में दबा रहा, उसके बाद मुस्कुरा के बोलता है आधा घंटा तक उसको टेंशन में रखता। अब लिखे लिखने के बाद ठीक, अब फिर थोड़ी देर के बाद वेरी गुड मजा आ गया, अकेले बोलता मैं टेंशन में। अरे पापा ऐसे में भी पसीने आ रहे थे, बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा बेटा क्या टिक कर रहा है, और वेरी गुड कर रहा। बोला मौलाना साहब छोड़िए नहीं, सब दूसरा रास्ता। हमने कहा संभव ना, बोला हम तो दिल्ली से चले हैं ना, तो हम वहाँ किसी को जानते हैं, ठीक है चलो आवाज। बोला उससे जुदा होकर आए, ट्रेन में बैठ गए, तो यहाँ से उसको मैसेज कर, तो कहते हैं कि फातिहा पीछे पहुंचे तब के ऊपर को पकड़ो अकल गया ना। नौजवान कहते हैं मौलाना यहाँ से मैसेज न कर बेटा, तेरे बिना दिल नहीं लगा, तो जवाब भी आ रहा तो मेरा ट्रेन है। हमने कहा तुम तो फेंक रहे हो, पहुंच जा ला, बोला वहां से तो फेंक जा रहा है, वो भी आ रहा है। बोला हाँ, हमने कम से कम मानने के बाद ही तो समझा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगी।